हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेहान ऑटोटेक में। जैसा कि आपने देखा वीडियो में, डोजिंग बल्ब आवाज़ कर रहा है, साउंड कर रहा है, बट स्प्रे नहीं कर रहा है। ये कस्टमर कहीं और पहले किसी जगह दिखाए, उनको 35,000 का पेमेंट बताया गया कि इतना खर्च होगा। ये वहाँ नहीं करवा के मेरा किसी से कॉन्टैक्ट लेके मेरे पास आए। जब मैं चेक किया तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, नॉर्मल प्रॉब्लम था। 7,334 रुपये में मैं गाड़ी को ठीक कर दिया। कैसे किया, चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। जब मैंने लैपटॉप कनेक्ट किया तो 3574 और 1682 कोड है, जैसा कि देख पाएंगे ये दोनों कोड है। ये जो है यूरिया का है, जो लेवल प्रेशर लो रहता है तभी आता है ये फॉल कोड। मैं ओवरराइड टेस्ट कर रहा हूँ, ये ओवरराइड टेस्ट कर रहा हूँ। 850 kPa का प्रेशर है, देख पाएंगे अभी। 850 kPa का प्रेशर में जो है डोजिंग ये स्प्रे करता है। अभी हम साइलेंसर नीचे जाएंगे ATS के पास और चेक करेंगे, डोजिंग बल्ब बाहर निकलवाए हुए हैं, देखेंगे स्प्रे कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसा कि देख पाएंगे साउंड कर रहा है बट स्प्रे नहीं कर रहा है, ये मेन प्रॉब्लम है। इसी की वजह से जो है लोग कहते हैं कि डोजिंग बल्ब ख़राब हो गया, डोजिंग बल्ब को चेंज करना पड़ेगा, बट ये नहीं है। ये इसका मेन कारण है, इसका जो यूरिया फिल्टर है वो चॉक हो जाता है, जिस कारण प्रेशर नहीं दे पाता है। देखेंगे दो फिल्टर है, एक है 6,004 रुपये का, एक 2,336 रुपये का यूरिया फिल्टर है। ये दोनों फिल्टर मैंने चेक करवाए, चॉक थे। अब ये दोनों फिल्टर मैं चेंज करूँगा और उसके बाद ओवरराइड टेस्ट करके दोबारा से देखूँगा कि यूरिया जो डोजिंग बल्ब वो स्प्रे कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोबारा से मैं ओवरराइड टेस्ट कर रहा हूँ फिल्टर चेंज करने के बाद। ये देख रहे हैं दोबारा से भी 850 kPa का प्रेशर जा रहा है, और अभी इस बार जो है डोजिंग स्प्रे कर रहा है या नहीं कर रहा है वो चेक करते हैं। बन रही है, ये देखिए नज़दीक से दिखाओ, ये देखिए स्प्रे कर रहा है डोजिंग बल्ब, स्प्रे हो रहा है। ये यूरिया फिल्टर चॉक की वजह से जो है यहाँ तक प्रेशर ही नहीं जा पा रहा था, यूरिया जा ही नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से डोजिंग करता। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल